स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6. क्या कह रहा है कि प्रूफ दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मीट पॉइंट्स ऑफ अ कोड टू द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिस थ्रू द मीट पॉइंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क. क्वेश्चन नंबर 6 के अनुसार हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और ये इसका सेंटर है, ये ए बी कोड है. इस सेंटर से ये जो ए बी कोड ए बी के मीट पॉइंट को ज्वाइन इस सर्कल का जो सेंटर से जो ये जो लाइन पास हो रहा है इस कोड ए बी के मीट पॉइंट से पास हो रहा है, यानी एल यहाँ पर मीट पॉइंट है इस कोड ए बी का. तो आपको ये प्रूफ करना है कि डी इज़ ऑल्सो द मीट पॉइंट ऑफ दिस आर्क. आपका ये जो आर्क ए डी बी है, यानी आप कह सकते हैं कि माइनर आर्क ए डी बी. तो आपको क्या प्रूफ करना है कि डी इज़ द मीट पॉइंट ऑफ माइनर आर्क ए डी बी. ठीक है, तो यहाँ पर कैसे प्रूव होगा? तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इस ए और ओ को ज्वाइन किया. यहाँ पर ए ओ और ओ बी आपका रेडियस है. यहाँ पर ए और डी को मिलाया और डी और बी को मिलाया. सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया. तो जब हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो हमने ऑटोमेटिक बाईसीपीसिटी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल एंगल बनाएगा. चूँकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल बना रहा है, अगर एंगल इक्वल है तो ये कोड भी आपस में इक्वल होंगे. ध्यान रहे, एक थ्योरम हमने पढ़ा था कि इफ़ द एंगल सबटेंड बाई टू कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, अगर सेंटर पर इक्वल एंगल बन रहा है तो कोड आपस में इक्वल होगा. तो यहाँ पर सेंटर पर इक्वल एंगल ये प्रूव हो गया, यानी कहीं ना कहीं एंगल ए ओ एल बराबर हो गया बी ओ एल के. यहाँ पर एंगल ए ओ एल को ए ओ डी भी बोल सकते हो और बी ओ एल को बी ओ डी भी बोल सकते हो. तो यहाँ पर ये चीज़ आपका इक्वल प्रूफ हो गया. तो हम कह सकते हैं कि ए डी जो कोड ए डी होगा वो कोड डी बी के बराबर होगा. जब यहाँ पर कोड ए डी बराबर हो गया कोड डी बी के, तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये अगर इक्वल जो कोड्स होते हैं वो कट इक्वल आर्क करते हैं. तो अगर ए डी और डी बी आपस में इक्वल है तो ये जो आर्क कट करेंगे, ये जो आर्क कट करेंगे ये इक्वल आर्क कट करेंगे, यानी आर्क ए डी बराबर होगा आर्क डी बी के. तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि डी इज़ द मीट पॉइंट ऑफ आर्क माइनर आर्क ए डी बी. तो ये हमारा प्रूफ हो गया. स्टूडेंट, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? प्रूफ दैट अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विच बाइसेक्ट अ कोड ऑफ द सर्कल ऑल्सो बाइसेक्ट द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन क्या है कि सी डी इज अ डायमीटर विच बाइसेक्ट कोड ए बी. तो ये कोड ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है और आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो सी डी डायमीटर ये ऑल्सो बाइसेक्ट करेगा इस एंगल ए ओ बी को, यानी कहीं ना कहीं ए ओ एल बराबर बी ओ एल प्रूफ करना है. सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट किया. अब जब दो ट्रायंगल को यहाँ पर हमने कॉन्ग्रुएंट किया, यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों ट्रायंगल को किसी तरह से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. अब देखो, ये तो साइड एंगल साइड के आधार पर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. तो एंगल ए ओ एल और बी ओ एल आपका बराबर प्रूफ हो जाएगा. तो आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद से, कुछ नहीं, बस इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो और बाईसीपीसिटी के आधार पर आप कह सकते हैं कि एंगल ए ओ एल बराबर है एंगल बी ओ एल के. तो ये प्रूफ हो जाएगा. स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8. प्रूफ दैट टू डिफरेंट सर्कल कैन नॉट इंटरसेक्ट इच अदर एट मोर देन टू पॉइंट्स. लेट अज्यूम दैट कि टू डिफरेंट सर्कल इंटरसेक्ट इच अदर एट मोर देन टू पॉइंट्स. तो यहाँ पर जब सर्कल हमने यहाँ पर अज्यूम किया कि दो डिफरेंट यानी दो अलग अलग सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो मोर देन टू पॉइंट्स, यानी कहीं ना कहीं तीन पॉइंट, दो पॉइंट से ज़्यादा क्या होता है, तीन पॉइंट्स. हियर दीज पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर. तो हमको पता है कि थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट से केवल एक ही सर्कल, एटलीस्ट वन ही सर्कल पास हो सकता, उससे ज़्यादा नहीं. तो देयर मस्ट बी ओनली वन सर्कल. सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस टू डिफरेंट सर्कल कैन नॉट इंटरसेक्ट इच अदर एट मोर देन टू पॉइंट्स. आई होप आपको समझ में आया. हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग हम फिगर बनाते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 10 आप पढ़ लेना ठीक से. ठीक है, ये एक सर्कल है और ये सर्कल का एक सेंटर है जिसके अंदर आपका एक ट्रायंगल है. अभी कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, लाइक सपोज ए बी और सी, ये इसका सेंटर है. ठीक है, आपको यहाँ पर प्रूफ क्या करना है? यहाँ पर आपको इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है. इस सर्कल, इस ट्रायंगल, ये जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके हर एक साइड का जो लेंथ है 9 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 9 सेंटीमीटर. ध्यान रहे, आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको फाइंड यहाँ पर
आप एक काम करो, इसको इस ये जो सेंटर है इसको वो कंसीडर करो और इसको यहाँ से ज्वाइन कर लो। उसके बाद यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कुछ मान लो ओ एल ले लेते हैं, यहाँ पर एल ले लेते हैं। अब एक्चुअली मेरे को यहाँ पर फाइंड क्या करना है, एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, यानी ये जो सर्कल है इस सर्कल का मेरे को रेडियस फाइंड करना है। सबसे पहला देखा जाए तो ये एक सर्कल है और सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। किस तरह का पॉलीगॉन है हमारे पास, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो एंगल बी ओ सी बराबर हमारा क्या होगा, यानी जो बी सी जो कोड है वो एंगल जो सबटेंड करेगा सेंटर पर, यानी डैट इज एंगल बी ओ सी कितना होगा, 360 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड, यानी 360 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड कितना है, यानी हमारा ये जो पॉलीगॉन है कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये किस तरह का पॉलीगॉन कहला रहा है, ये आपका रेगुलर पॉलीगॉन है जिसके सारे साइड्स आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर ट्रायंगल के कितने साइड्स होते हैं, नंबर ऑफ साइड 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड 3 होते हैं। तो एंगल बी ओ सी का जो वैल्यू निकलेगा दैट विल बी 120 डिग्री, 120 डिग्री, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल और ये जो ट्रायंगल हो किसी तरह से इन दोनों ट्रायंगल को हम कंसीडर करेंगे कॉन्ग्रिएंट प्रूफ करने का। तो इन ट्रायंगल बी ओ एल एंड ट्रायंगल आपका सी ओ एल में, जब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रिएंट करेंगे तो यहाँ पर ये जो आपको पता है कि ये सेंटर से परपेंडिकुलर गिर रहा है तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी बी सी को बाइसेक्ट करेगा, यानी कहीं ना कहीं बी एल बराबर होगा सी एल के, ठीक है। तो यहाँ पर रीज़न लिख लीजिएगा, ओ एल इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी। उसके बाद साइड एंगल क्या है हमारा, एंगल ओ बी एल जो है और आपका एंगल ओ सी एल, सॉरी ओ एल सी, ये आपका एंगल कितना है 90 डिग्री, इच एंगल इज 90 डिग्री, ये दोनों एंगल बराबर होगा। तो साइड एंगल साइड के आधार पर और ओ एल बराबर होगा ओ एल के। तो यहाँ पर आप रीज़न लिख लीजिएगा, ये क्या है रीज़न, कॉमन साइड। तो यहाँ पर ट्रायंगल बी ओ एल, बी ओ एल आपका कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल सी ओ एल के। जब दो ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रेंट हो जाए तो आप बाई सी पी सी टी के आधार पर कह सकते हैं कि जो आपका बचे हुए एंगल या साइड होंगे आपस में इक्वल होंगे, यानी ये एंगल्स और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे बाई सी पी सी टी, यानी कि एंगल बी ओ एल जो होगा वो बराबर होगा एंगल सी ओ एल के। किसके अकॉर्डिंग, ये तो आपका हुआ बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के आधार पर, और ये प्रूफ हो जाएगा आपका बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी ध्यान रहे बाय सी पी सी टी। जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो रिमेनिंग साइड्स या एंगल आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पर एंगल बी ओ एल यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। आप क्या करो स्टूडेंट, यानी कि आपको पता है ये दोनों बराबर है, इसको एक्स के करीब ले लो। तो यहाँ पर लेट एंगल बी ओ एल बराबर एंगल सी ओ एल बराबर एक्स कंसीडर कर लो। अब स्टूडेंट्स हमारा नाउ क्या होगा, क्योंकि हमको पता है कि एंगल बी ओ सी बराबर कितना 120 डिग्री, तो हम पहले तो एंगल बी ओ सी को कैसे लिख सकते हैं, एंगल बी ओ सी को लिख सकते हैं एंगल बी ओ एल प्लस एंगल सी ओ एल, एंगल बी ओ एल प्लस एंगल सी ओ एल। तो यहाँ पर एंगल बी ओ सी का वैल्यू हमने फाइंड ऑलरेडी करके रखा है 120 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल बी ओ एल और सी ओ एल बराबर है एक्स के, तो हम एक्स इसके जगह भी एक्स लिख सकते हैं, इसके जगह भी एक्स, तो एक्स एक्स प्लस 2x। कुल मिलाकर जब आप सॉल्व करोगे तो एक्स बराबर 60 डिग्री आपका फाइंड हो जाएगा। यानी एक्स बराबर 60 डिग्री मतलब क्या हो गया कि एंगल बी ओ सी आपका, सॉरी एंगल बी ओ एल जो होगा, एंगल बी ओ एल बराबर हो गया 60 डिग्री, है ना। देयर फोर एंगल बी ओ एल बराबर 60 डिग्री, कौन सा एंगल बी ओ एल एंड ऑल्सो एंगल सी ओ एल, दोनों आपका 60 डिग्री फाइंड हो गया। लेकिन हम अभी इस ट्राइंगल पे बात करेंगे, वी विल यूज़ दिस ट्राइंगल टू फाइंड द लेंथ ऑफ ओ बी, इट्स मीन ओ बी इज़ ऑल्सो रेडियस एंड ओ सी इज़ ऑल्सो रेडियस। तो हाउ टू फाइंड, तो यहाँ पर एंगल बी ओ एल बराबर कितना आ गया आपका 60 डिग्री। तो अब हम लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल बी ओ एल, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर हम इफ़ आई टेक दिस एंगल तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर और 90 के सामने ये ओ बी हाइपोटेन्यूज। तो मेरे को पता है कि साइन ऑफ 60 डिग्री
ये हमारा एंगल बी ओ एल कितना होता है, साइन में अगर लेते तो पी बाई एच, ये हमारा ओ बी क्या है, एच है। ओ बी ऐसे सर्कल के अनुसार ये रेडियस है, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल के अनुसार ये आपका हाइपोटेन्यूस है, तो हम साइन में लेंगे। तो साइन ऑफ थीटा बराबर हमको पता है साइन ऑफ थीटा इक्वल टू पी बाई एच। तो इस एंग अगर ये वाला ले रहे हैं, ये वाला एंगल बी ओ एल ले रहे हैं, तो एंगल बी ओ एल कितना है आपका 60 डिग्री। तो साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ एंगल इक्वल टू पी बाई एच। तो पी कितना है हमारा बी एल, और एच कितना है हमारा एच, हमारा बी ओ। तो एक्चुअली मेरे को फाइंड क्या करना है, बी ओ ही तो फाइंड करना है, यानी रेडियस फाइंड करना है। अब साइन 60 का तो वैल्यू मेरे को पता है, रूट 3/2 डाल दिया। अब बी एल का वैल्यू मेरे को यहाँ पर पता, बी एल कितना होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है इसको बाइसेक्ट करेगा, इट मीन्स बी एल बराबर होगा सी एल के, यानी कहीं ना कहीं बी एल बराबर सी एल बराबर 9/2। तो 9/2 और बाय बी ओ। अब क्या करो, जब आप पूरी तरह से सॉल्व करोगे रूट 3/2, आप पूरी तरह से जब कंप्लीट सॉल्व करोगे तो यहाँ हो जाएगा 9/, इसके नीचे 1 छिपा रहता है और ये ऊपर जाएगा फिर ये नीचे, तो 9/2 बी ओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया आपका, तो क्या बच गया रूट 3 बी ओ बराबर 9। तो बी ओ बराबर आपका 9/√3। ठीक है, बी ओ बराबर 9/√3। अब आगे सॉल्व करेंगे, इस 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3√3 × √3 × 3, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ध्यान दीजिए, इस 9 को लिख सकते हैं √3 × √3 × 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो नीचे क्या है √3, तो √3 कैंसिल हो गया, तो बी ओ बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3√3, कितना हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। तो बी ओ यानी जो हमारा रेडियस फाइंड हुआ वो 3√3 सेंटीमीटर हुआ। आराम से आई होप आप समझ में आ गया, इसको सॉल्व करके आप नंबर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 11 और ये आपका आर्क दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा आर्क आपका दिया हुआ है ये वाला। उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, गिवन एन आर्क ऑफ सर्कल कंप्लीट द सर्कल, आपको इस आर्क को पूरे कंप्लीट करना है, एक सर्कल का टुकड़ा दिया हुआ है और आपको सर्कल कंप्लीट करना है। कैसे, तो यहाँ पर आप कंसीडर कर लो इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को आप कंसीडर कर लो सी। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पर आप जस्ट ड्रॉ करो इस पॉइंट को, इस पॉइंट से मिला मिट करो, मिट किया, फिर इस पॉइंट को यहाँ पर एक कोड बनाओ, हो गया, यहाँ पर कोड बनाया। अब ये कोड ए बी है और ये कोड बी सी है। अब क्या करो, इस बी सी का बाइसेक्टर लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आधा से ज़्यादा लो और एक बार इस तरफ कट करो, सॉरी एक्चुअली देयर इज अ लिटिल बिट प्रॉब्लम, एक बार आई एम सो सॉरी फॉर दिस। स्टूडेंट हमें ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, आप इसको देख सकते हैं, आप अच्छा से समझ जाते हैं। पहला हमारा आर्क ये था आर्क, अब हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया ए, एक पॉइंट यहाँ पर बी कंसीडर किया, एक पॉइंट सी यहाँ पर कंसीडर किया, तो हमारा ए बी एक कोड हो गया और बी सी एक कोड हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब इस बी सी का बाइसेक्टर लिया, फिर ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो एक बार यहाँ से मतलब एक बार यहाँ इस पॉइंट को रख कर यहाँ से कट करेंगे, फिर यहाँ से कट करेंगे, फिर इस पॉइंट लेकर यहाँ से कट, फिर आप यहाँ से कट करना है आपको, ठीक है। फिर उसी तरह आपको इस पहला बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, फिर ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, फिर यहाँ से इसको आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर। फिर यहाँ से इसको आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर ये वाले जो भी ज्वाइन करने वाले लाइन है वो उसको आप, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर हो गया, फिर उसके बाद आपको ज्वाइन कर देना ये आपका। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ कंसीडर किया कि क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो ये इस बी सी को, यह सब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब इस बी सी को बाइसेक्ट करेगा इक्वल पार्ट में। अगर ये और ये इक्वल है, जब ये और ये इक्वल है तो ये साइड और ये साइड बराबर होगा, समझ, इस ये वाले को कंसीडर ओ करना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये चारों जो साइड्स हैं, ये साइड्स आपके सारे साइड्स जो होंगे आपस में कहीं ना कहीं इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये साइड्स और ये साइड्स
ये साइड्स आपका, फिर से देखो, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, ये आपका 1, 2, 3, ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगे, यानी कहीं ना कहीं ये जो दूरी होगा कांस्टेंट दूरी होगा। तो इस ये जो दूरी, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, इसी से ये हमारा रेडियस है एक्चुअली। तो इतना ये कांस्टेंट डिस्टेंस रखकर हमको सर्कल ड्रॉ कर लेना है, बस यही है इसमें। ठीक, दिस इज आवर एक्सरसाइज 16.3। हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसमें सर्कल के कुछ पॉइंट्स है ए बी और सी। इन तीनों पॉइंट पे, एक पॉइंट पे ईसा है, एक पॉइंट पर आपका ईसा है, तीसरे पॉइंट पर निशा है। यहाँ पर एक्चुअली ये दिया हुआ है आपको ईसा, ईसा टू ईसा जो डिस्टेंस है 24 मीटर, फिर ईसा टू निशा जो डिस्टेंस है 24 मीटर। आपका यहाँ सेंटर है, ये हमारा रेडियस है, ये रेडियस है। अब ये चूँकि परपेंडिकुलर है, आपका ये परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो ये एक्स होगा, तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यहाँ पर इस रेडियस का लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर। तो सबसे पहले हमने कुछ नहीं किया, एक्चुअली मेरे को फाइंड करना है ईसा टू निशा, यानी कुल मिलाकर एसी का लेंथ निकालना है हमको यहाँ पर। तो हमने इन ट्रायंगल एओएल में लिया, इन ट्रायंगल एओएल में वी कैन राइट एक्स स्क्वायर बराबर 20² - y² इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया। अब हमने इन ट्रायंगल एबीएल में लिया, अब हमने एक्स स्क्वायर बराबर 24² माइनस 20 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वेशन 2 कंसिडर कर लिया। जब फ्रॉम 1 और 2 से तो हमने आगे सॉल्व किया। अब देखो, इसका लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगा। जब हमने सॉल्व किया तो वाई का वैल्यू आपका 5.6 आया। जब y का वैल्यू, ध्यान रहे मेरे को यहाँ पर जो फाइंड करना है, दैट इज कोड एसी फाइंड करना है, यानी ईसा टू निशा जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। अगर हम AL भी फाइंड कर लेंगे तो आराम से AC फाइंड हो जाएगा। यहाँ पर y का वैल्यू आया है लेकिन x का वैल्यू नहीं आया, तो x का वैल्यू लाने के लिए इस इक्वेशन 1 में y का वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमने y के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया, देख सकते हैं आप आराम से। तो हमने यहाँ पर x का वैल्यू आ गया, कितना आया 19.46 मीटर। तो x का वैल्यू लाना मतलब किसका वैल्यू हमने लाया, यहाँ पर AL का वैल्यू आपको फाइंड किया। तो AL बराबर 19.46। तो नाउ AC बराबर 2 times AL हम लिख सकते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये अगर परपेंडिकुलर गिर रहा है तो जाहिर सा बात है बाइसेक्ट करेगा, तो AC बराबर 2 times AL लिख सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड वी ऑल नो अबाउट। तो AC बराबर 2 AL होता है, तो यहाँ पर 2 × 19.46, तो आंसर ये आ गया। ये 16 पॉइंट हमारा कितना था, थर्ड था एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 आप